हिटमैन रोहित शर्मा बने छक्कों के बादशाह, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अभी डिविलियर्स को दी चुनौती। इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने एक के बाद एक कई मैचों में बेहतरीन पारियां खेली हैं और पारियों में छक्कों की बारिश की है। इस मौजूदा वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने ऐसा ही प्रदर्शन किया है। लंबे लंबे छक्के लगाने की वजह से हिटमैन कहलाए जाने वाले रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप वाले इस पूरे साल में बहुत सारे छक्के लगाए हैं और इसलिए छक्कों के बादशाह बन गए हैं। रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे आज के मैच में भी दो छक्के लगाकर वनडे फॉर्मेट के एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोहित शर्मा ने इस साल यानी 2023 में खेले गए वनडे मैचों में अभी तक कुल 58 छक्के लगाए हैं। उन्होंने वनडे फॉर्मेट के एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले अभी डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है। साउथ अफ्रीका के इस पूर्व बल्लेबाज ने भी साल 2015 में खेले गए वनडे मैचों में कुल 58 छक्के लगाए थे। अभी तक इस रिकॉर्ड के मामले में सबसे आगे अभी डिविलियर्स थे, लेकिन अब रोहित शर्मा ने उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हालांकि रोहित शर्मा के लिए यह साल खत्म नहीं हुआ है, उन्हें अभी इस वर्ल्ड में भी कई मैच खेलने हैं। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि रोहित डिविलियर्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वनडे मैचों के एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। हालांकि फिलहाल इस लिस्ट में तीसरा नाम वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर और यूनिवर्स वॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल का है। गेल ने 2019 में वेस्ट इंडीज के लिए वनडे फॉर्मेट के एक साल में कुल 56 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का नाम भी शामिल है। रोहित के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।